एक सियामरिके से पूछा कि तुम लोग इतने अकलमंद क्यों होते हो? मछली और अकल। एक स्कॉटिश ने एक सियामरिके से पूछा कि तुम लोग इतने अकलमंद क्यों होते हो कि पूरी दुनिया पर राज करते हो और दामन भी उजले का उजला। अमरीके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई खास बात नहीं है, बस हम एक खास किस्म की मछली खाते हैं, होती तो बहुत छोटी सी है और जायका भी कुछ खास नहीं होता, मगर काफी महंगी होती है, इसको खाते ही अकल आ जाती है। स्कॉटिश लोग यूं तो पूरी दुनिया में कंजूसी में भरपूर माने जाते हैं, मगर अकलमंद बन जाने की लालच ने इसको अपनी जेब हल्की करने पर मजबूर कर दिया। फिर वो अमरीकी की मेहनत समाजत करने लगा, जितना खर्चा होगा करूंगा, बस एक बार मुझको मछली खिला दो। अमरीकी ने ट्रस्ट खाकर कहा, अच्छा चलो मुझे $1,000 दे दो और कल रात को मेरे घर आ जाओ, मैं अपनी बीवी से वही मछली फ्राई करवा कर तुमको खिला दूंगा। इस मछली को फ्राई करने के लिए एक खास अंदाज जरूरत पड़ती है। स्कॉटिश ने फौरी तौर पर अमरीकी को नक $1,000 अदा कर दिए और अगली रात का प्रोग्राम पक्का कर लिया। अगले दिन स्कॉटिश खुशी खुशी बड़े एहतमाम से अमरीकी के घर पहुंचा और बड़ी बेताबी से डाइनिंग टेबल पर बैठा तो क्या देखता है कि एक बड़ी सी तबाक में एक उंगली के बराबर छोटी सी मछली बगैर किसी मसाले के फ्राई की हुई रखी है। स्कॉटिश को मछली का साइज देखकर परेशानी तो हुई, मगर मछली की बताई गई तासीर के एहसास ने किसी बड़े ख्याल को पैदा नहीं होने दिया और बड़े जौक शौक से इस मछली को खा लिया। मछली खाने के बाद कुछ देर तो हकल खाने की इंतजार की और इसी इंतजार में खामोश बैठा रहा। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद अमरीकी से कहने लगा, भाई इतनी छोटी सी बेजायका मछली आराम से तेल में तली हुई, कोई मसाला भी नहीं लगा, तुमने मुझसे उसके $1,000 वसूल कर लिए और मुझे तो कोई तब्दीली भी महसूस नहीं हो रही, कहीं तुमने मुझको बेवकूफ़ तो नहीं बनाया? अमरीकी जोर से कहका लगा कर कहने लगा, देखा मछली खाते ही तुम्हें हकल खाने लगी,